السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إمام خير رحمه الله كي مشهور كتاب الأدب المفرد जो आदाब अख्लाक और सलूक के मौजूद पर मुश्तमिल है किनके साथ हमें कैसे पेश आना है और कौन सा अल्लाह का हुक्म है उसको अदा करने का क्या तरीका है क्या उसके आदाब हैं इस किताब में बड़ी तफसील के साथ इन मौजूद पर अहदीत को इमामुख रिमोल्ला ने जमा फरमाया गुफ्तु चल रही है सिला रहमी की कि रहम माँ की जाने से जो रिश्ता हो या बाप की जानेब से जो रिश्ता हो उसको जोड़ना बड़ी फ़दीलत इसकी बयान की गई और ना जोड़ने पर बड़ी वईद सुनाई गई इससे पहले कि दुरुस्त में रहमी की फ़दीलत पर गुफ्तु हुई और फिर सिला रहमी ना करने वाले के लिए आखिरत में क्या सजाएं हैं उसका तस्करा किया गया आज का जो बाब है जहाँ से हम सबक शुरू करेंगे वह बाब उन ती और फिर दुनिया की रहमी करने वाले के लिए दुनिया में क्या सज़ा आखरत की सजाएं जिक्र की गई कि कता रहमी करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा अल्लाह के नबी साल वसन फरमायाजन्नतर कृष्ते नाते को तोड़ने वाला बिला सज़ा के भुगते हुए जन्नत में नहीं जाएगा वो तो आखरत की सज़ा है बहुत सारे भाइयों का मामला ये है कि आखरत को इस एतबार से देखते हैं कि हमें दुनिया की फ़िक्र करना है आखरत को तो बात की बात या इस माने में कि आज नकद कल उधार कि इस वक्त जो मिल रहा है वो ले लें आखरत में क्या होगा वो देखा जाएगा तो आखरत में भी सजा है अल्लाह रब्बुल रबालमिन ने क़तारहमी की सज़ा दुनिया में भी रखी कॉलेज ना अदम कलत ना शुबा فلحدّثنا عُينة بن عبد الرحمن، قال سمعت أبي يحدّث عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، "ما من ذنب أحرى أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من قطيعة الرحم والبغي أبو بكر الله تعالى عنه سنوايته قال فرماته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا النبي صلى الله عليه وسلم نرشاد فرميا ما من ذنب أحرى أن أيوة يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا أو مع ما يدخل له في الآخرة الظلم وقت رحمي سے بڑھ کر کوئی گناہ ایسا هي كي جسكي مرتكبكو دنيا مرتقب کو جلد سزا ملے. और आख़रत में भी अज़ाब से दो चार किया जाएगा दो सज दो गुना एक क़त रहमी का दो जुर्म लें एक क़त रहमी और दूसरा अलबग यानी जुल्म करना ये दोनों ऐसे जराइम हैं कि जिनकी सज़ा अल्लाह अल्ला रब्लम आखरत में तो देगा ही लेकिन दुनिया में भी इसकी सज़ा रबालमीन जालिम को औका रखनी करने वाले को देता गुना है बहुत सारे गुनाह हैं कि जिनकी सज़ा अगर दुनिया में मिल जाती है तो फिर आखरत में नहीं मिलती <coughs> किसी ने चोरी किया है बड़ा जुर्म है और उसको दुनिया में सजा दे दी गई उसके हाथ को काट दिया गया तो अब आखिरत में उसको इस चोरी की सजा नहीं दी जाएगी किसी ने किसी को कत्ल किया है प्रशासन यहां भी उसे कत्ल कर दिया गया सजा मिली तो अब आखरत में इस कत्ल की सजा उसे नहीं दी जाएगी ऐसे ही जना करने वाले को दुनिया में हद जारी कर दी गई रजम कर दिया गया या कोड़े लगा दिए गए तो अब आखरत में इस जिना की सजा उसे नहीं दी जाएगी अल्लाह रब्बुल आलमीन यानी दोहरी सजा रब्बुल बुलामीन नहीं देता लेकिन दो ऐसे बड़े जुर्मे हैं कि जिनकी सजा रब्बुल बुलमीन यहां भी देता है और वहां भी देता है एक है कत रहमी करना और दूसरी है जुल्म करना अल्लाह निज़ाम बनाया अब आप देखें जो कतारख्मी करने वाले हैं रिश्ते नाते को तोड़ने वाले ऐसी ही सजा उनको दुनिया में मिलती है कि जैसे उन्होंने दूसरों को छोड़ा है अपने रिश्तेदार के काम नहीं आए अपने रिश्तेदार को जोड़ा नहीं है एक वक्त ऐसा आता है कि उनको भी लोग छोड़ देते वो तन्हा हो जाते हैं और इंसान तन्हा हो जाए तो ये उसके लिए अजाब से कम नहीं है कि लोग उसको पूछते नहीं है उसको इज्जत नहीं देते उसकी मदद नहीं करते जरूरत के वक्त उसके साथ खड़े नहीं होते तो ये सजा रबी दुनिया में देता है अब जब बात बात आई है क़तारहमी की तो क़ा रहमी में सबसे बड़ी क़ा रहमी कौन सी है माँ बाप सबसे करीबी हमारे रिश्तेदार कौन है माँ बाप सबसे करीबी सिला रहमी कौन सी है माँ बाप माँ फिर बाप तो उसी तरीके से कतारहमी में भी सबसे करीबी वही है <laughs> लिहाजा अगर दुनिया में इंसान अपने वालदेन को छोड़ रखा है उनसे ताल्लुक नहीं रख रहा है तो ये तो मुशाहिदे की बात है आपने देखा होगा जाना होगा कि इसी समाज में कितने ऐसे लोग हैं कि उन्होंने अपने वालदे के साथ बदसलूकी की है उसने सलूक नहीं किया तो उनकी औलाद ने उनके साथ वही मामला किया ये सजा का एक नमूना मैं आपका मिसाल दे रहा हूं कि शायद दिगर रिश्तेदार को छोड़ने के असर हमको दिखते नहीं लोग समझ नहीं पाते या हमारे इल्म में नहीं आ पाती वरना सच है कि किसी भी रिश्तेदार को हमने अगर अलग किया है तो बदले में कोई दूसरा रिश्तेदार हमको अलग कर देता है लेकिन ये चीज़ें ज़्यादा समझ में नहीं आम को मालूम नहीं हो पाता कि ये वजह ऐसा क्यों हो रहा है लेकिन ये जो मैंने मिसाल दी है कि वालदेन सिला के में सबसे ज्यादा मुस्तक हैं तो उनको जिन्होंने भी छोड़ा है उनसे जिसने भी क़ा ताल्लुक़ किया है इसी दुनिया के अंदर वो निशान इबरत बना दिए गए कि देखिए इन्होंने अपने वालदेन को छोड़ा था इन्होंने अपने वालदे के साथ बदसलूकी की थी इन्होंने अपने वालदेन को मारा था वगैरह वगैरह ये अपने वालदे के साथ सही पेश नहीं आते थे आज इनकी औलाद भी इनके साथ वही मामला कर रही और इतना होने के बावजूद दुनिया में रसवाई होने के बावजूद आखरत में जो सजाएं इसकी हैं अभी वो बाकी हैं, वो भी साथ में मिलने वाली इसलिए कतर का मामला ऐसा है कि इसकी इसकी सज़ा सिर्फ आखिरत में नहीं या सिर्फ दुनिया में नहीं बल्कि दोनों जगह मिलने वाली ऐसे ही जालिम का मामला है जालिम कितना भी ताकतवर हो जाए दुनिया में आलमीन उसको दिखाता है उसके जुलम का मज़ा उसे चखाता है और आख़रत में भी उसके लिए इंतज़ाम है सज़ाओं का तो कभी कभी हम तो देख लेते हैं कि इन्होंने म्म किया और इनका यह अनजाम हुआ और कभी कभी ऐसा होता है कि वो जुल्म की सज़ाएँ भुगत रहे होते हैं और हमारे सामने वो चीज़ें नहीं आ पाती जिनकी सज़ाएँ दुनिया की जाहिर हो जाती मालूम हो जाता है तो और लोगों के लिए निशान इबरत बन जाता है नसीहत का, सब, का जरिया बन जाता है कि उसको देखें लोग इबरत हासिल करें जैसे फिर ऑन कि उसने जुल्म किया अल्लाह ने दिखाया आज वो निशान इबरत है कि इसने इतना बड़ा जुल्म किया था बदले में ये मामला हुआ लिहाजा ऐसा जुल्म हमको नहीं करना चाहिए दूसरा ये है कि बहुत बड़े बड़े ालिम है बज़ाहिर हमको दिखता नहीं है कि उनको कोई तकलीफ पहुंच रही हो जुल्म करने के बावजूद वो आसानी रहते हैं देख देखने के अतबार से और अपनी फितरी मौत मरते हैं उनकी कोई सजा नहीं तो बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि जुल्म किया और दुनिया में कोई सजा नहीं सिर्फ आखरत का हम हमारा यकीन है कि आखरत में सजा भुगतेंगे वो लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है तो वो सच है कि दुनिया में भी उनको सजाएं मिलती हैं यह और बात है कि उन सजाओं का इजहार नहीं हो पाता है हमें मालूम नहीं हो पाता है लेकिन अंदर अंदर उन सजाओं को भुगत भुगतते रहते हैं हैं बहुत सारे लोग हैं जिनको निशान इबरत बनाया गया दुनिया ने देख लिया दुनिया ने देख लिया कि फला है ऐसे हैं ऐसे हैं इन्होंने ये किया खुद उन्हीं के लोगों ने उनको अलग कर दिया साइड लगा दिया निशान ही बरत जुल्म किया था उन्होंने ये मामूली सजा नहीं आखिर अभी बाकी और कुछ ऐसे जालिम हैं जो पूरी जिंदगी बज़ाहिर ठाट बाट से रह वो चले गए उनका कुछ नहीं हुआ लेकिन ऐसा है नहीं वो जाहिर नहीं हो पाया है वरना दुनिया में उनके लिए भी सजाएं हैं अहो न हो वही सजाएं आज लोग भुगत रहे हो वो वो तो चले गए उनकी औलाद भुगत रही तो बहरहाल ये दो सजाएं हैं जो जहे जो जुरायम है अल्लाह दो जरायम जिस जिसकी सज़ा अल्लाह आलमीन दुनिया में भी देता है और आखिरत में भी देता है हमें बचना चाहिए हमें इन दोनों चीजों से बचना चाहिए हर किस्म के गुनाह से बचना चाहिए लेकिन खास तौर से ये गुनाह जिसकी सज़ा अल्लाह तआला दुनिया में भी दे रहा है आखिरत में भी दे रहा है यानी दोहरा दोहरी सज़ा तो इस पहलू से हम एक बार फिर गौर करें अपनी ज़िंदगी में कि हमने किसी भी रिश्तेदार को छोड़ तो नहीं रखा है क़ा ताल्लुक़ तो नहीं कर रखा है उसके हकूक़ की अदायगी में कोताही तो नहीं है रिश्तेदार होने के नाते उसका हम पर जो हक है हम उसका ख्याल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये एक बार ज़रूर हमें और आपको इस पर गौर करना है और शुरुआत कहाँ से करना जो सबसे करीबी रिश्तेदार वालदेन से भाई बहन से औलाद से फिर चचा हैं चचाजात भाई हैं दादा हैं नाना हैं मामू हैं खाला हैं वगैरह वगैरह आप इसको दराज करते चले जाएं यहाँ करीब से शुरू करें और इसको फैलाते चले जाएं निगाह दौड़ाते चले जाएं कि हमारा अपने इन रिश्तेदारों से कैसा ताल्लुक है अगर अच्छा है तो फबी अलहमदल और अगर नहीं है तो हमें डरना चाहिए खौफ खाना चाहिए कि हम तक यह हदीस पहुंची है तो हमें अपनी असलाह करनी चाहिए जिसके सही होने में कोई शक नहीं है कि ऐसा होता है या नहीं होता हम सोच नहीं सकते क्योंकि रबालमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है और मिसालों से हम समझते हैं समाज के अंदर ऐसी मिसालें भी मौजूद हैं कि लोगों ने ऐसा किया मुकाफी एक और बाब सिला करने वाला वो नहीं है जो बदले में सिला रहमी करे सिला रहमी की बहुत सारी फजीलत दिक्री की गई कि बंदा इसकी वजह से अल्लाह से करीब हो जाता है इसकी वजह से उम्र में बरकत होती है इजाफा होता है रिश्त में बरकत होती है इजाफा होता है लोग मोहब्बत करने लगते हैं वगैरह वगैरह बहुत सारी फजीलतें दिक्र की गई अब इन फजीलत को हासिल करने वाला वही शख्स हो सकता है जो सही मानों में सिला रहमी करे आज एक बड़ा मसला है या गलत फहमी आप कह सकते हैं कि लोगों ने रिश्ते नाते को जोड़ने के लिए जो अपना रवैया बना रखा है वो ये है कि जो हमको जोड़ेगा मैं उसको जोड़ूंगा जो मुझे नहीं जोड़ेगा मैं भी उसको नहीं जोड़ूंगा जो मेरे साथ खड़ा होगा मैं उसके साथ खड़ा होऊंगा। जो मुझे सलाम करता उसी को मैं सलाम करूंगा। जो नहीं करता उसको नहीं करूंगा। जो मेरे घर आता है मैं भी उसी के घर जाऊंगा। और जो नहीं आता उसके घर नहीं जाऊंगा। जो हमें दावत देता है मैं उन्हें दावत दूंगा जो मुझे दावत नहीं देता मैं उसको दावत नहीं दूंगा जो हमारे यहां शादी में आया था उसके यहां हम शादी में जाएंगे जो नहीं आया था हम नहीं जाएंगे तो जब ये मामला है तो इसमें अल्लाह कहाँ इसमें दीन कहाँ है जहां हम सवाब लेना चाहते हैं सवाब की वजह इसमें कहाँ है ये तो हम खुद ही आपस में एक दूसरे से लेन देन कर ले रहे हैं आपने हमने सलाम हमें सलाम कर दिया मैंने आपको सलाम कर दिया बराबर आप मेरे घर आ गए मैं आपके घर आ गया बराबर आप मेरे साथ खड़े हो गए चंदे बाद मेरे हक में बोल दिए मैं आपके हक में बोल दिया बराबर तो सवाब कहाँ? नेकी किस चीज पे मिले ये तो कहते हैं एहसान का बदला है एहसान जैसा आप मेरे साथ कर रहे हैं वैसा मैं आपके साथ कर रहा हूँ ये तो बहुत सारे जानवर भी होते हैं ये काम करते हैं आप उनके साथ जैसा रवैया अख्तियार कीजिए वो आपके साथ वैसे रहेंगे ये अलग चीज़ रहमी इसका नाम नहीं ये बहुत आला चीज़ है बहुत आला है रहम का ताल्लुक रहमान से अल्लाह से बात करने वाली चीज है आलमीन से गिरिया वाज़ारी करके मनवा लिया इसने कि जो मुझको जोड़ेगा अल्लाह तू उसको जोड़ लेना जो मुझे तोड़ दे अल्लाह तू भी उससे अपना ताल्लुक तोड़ ले अल्लाह ने कहा ठीक है तूसे राजी कहा ठीक ये इसकी बात चल रही है ना कि तुम मेरे घर आओ तो मैं तुम्हारे घर आऊंगा दोनों फर्क नहीं है <laughs> यानी यह चीज कि आप मेरे घर आओ तो इसलिए मैं आप ये क्या है कुछ नहीं है बात हो रही है रहमान से रहमान से निकली हुई एक चीज है रहम जिसका ताल्लुक रहमान से है उसकी फजीलत बयान की जा रही है और उसका हुक्म दिया जा रहा है ये करना है करना है करना है नहीं करेंगे तो ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा كان النبي جناب محمد الله صلى الله عليه وسلم نے ایک حدیث کے ذریعے قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان ولنا اعمش والحسن بن عمرو وفتر وعن مجاهد عن عبد الله بن عمرو الله وعن قال سفيان لم يرفع الاعمش إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه الحسن وفطر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافي ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها. عبد الله بن عمرو الله عنه ما سي بيان كرتين النبي كريم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرميا ليس الواصل बिलमकाफी सिला रहमी करने वाला वो नहीं है जो बदले में सिला रहमी करे वालवा सिला बल्कि सिला रहमी करने वाला वो है कुतियत रहम कि जब उसके साथ कता रहमी की जाए वस तो वो उसके बावजूद सिला रहमी करे तो ये बदले की भावना से कि आप मेरे साथ जैसा करें वैसा मैं आपके साथ करूंगा तो ये सिला रहमी का मफहम नहीं है इस पर वो फदीलत नहीं है और इससे वो फ़वाद हासिल होने वाले नहीं हैं बल्कि सिला रहमी कुर्बानी चाहती ये लफ्ज़ याद रखिएगा सिला रहमी कुर्बानी चाहती और इसी कुर्बानी की वजह से इस पर अजर सवाब भी बहुत ज्यादा है अल्लाह के नबी नबीम ने करने वाला वो है कि जब उससे कता ताल्लुक किया जाता है फिर भी वो जुड़ता है जो रिश्तेदार उसके घर नहीं आते उनके घर भी वो जाता है जो लोग इसकी दावत में नहीं आते और वो दावत देते फिर भी जाता है जो लोग इनके हक में नहीं बोलते इसको मौका मिलता है तो बोलता है जा करके तो ये रहमी का असल मफहम थोड़ी देर रुक करके हम लोग अपना मुहासबा करें कि अगर हमारा कोई रिश्तेदार हमसे बातें नहीं कर रहा है हमने कोशिश किया फिर भी नहीं कर रहा फिर कोशिश किया फिर भी नहीं किया क्या हमारी जिंदगी में कभी ऐसा आया हमारी जिंदगी में कोई ऐसा रिश्तेदार आया कि जिसको हम जोड़ना चाहते हैं और वो हमसे भाग रहा है जिसको हम करीब करना चाहते हैं वो दूर हो रहा है जिसको हम सलाम कर रहे हैं वो जवाब नहीं दे रहा है ऐसा है कोई है हमारी जिंदगी में कोई ऐसा रिश्तेदार आपकी और किसकी जिंदगी में आपके भी और आप अल्हम्दुलिल्लाह है इस बार से कि यही हमारी आजमाइश है और यहीं पर हमको आजमाया जा रहा है इसी वजह से हमारा दर्जा बुलंद होंगे यही मौका है कि हम वासिल बन जाए रहमी करने वाले बन जाए अब हमारी जिंदगी में अगर ऐसा फर्द कोई है ऐसा रिश्तेदार कोई है। उसके इस रवैये के बाद हमारा रद्द अमल क्या रहा अब आप बताएं एक होता है फितरी तौर पर जो सामाजिक मामला है कि किसी से पूछिए कि ऐसे शख्स के साथ क्या किया है तो क्या जवाब मिलेगा छोड़ो जाने दो तो। छोड़ो जाने दो तो। बहुत बड़ा बनता है अपने आप को अपने आप को लगाता है वो इसलिए अपने को गिरना नहीं है इतनी तो सलाम के जवाब नहीं दिया अब करना चाहिए छोड़ो क्या बार बार सलाम करो यही ये यह समाज जवाब देता है सामाजिक एतबार से तकाता है समाज का कि ऐसा आप भी करो घर खानदान के लोग भी यही जवाब देंगे बल्कि अगर आप आगे बढ़ोगे तो रोकने वाले मौजूद रहेंगे क्या उनके पीछे पीछे लगे हो इतने गिर गए तो खानदान रोकेगा समाज रोकेगा लोग रोकेंगे दोस्त अहबाब रोक देंगे हमारा दीन क्या तकादा करता है बोलिए क्या तकादा करता है ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए आगे बढ़ना है करीब जाना है वो भाग रहे हैं हमको करीब जाना है वो हमें धुतकार रहे हैं फिर हमको करीब जाना है वो हमें रुसवा करना चाहते हैं फिर भी हमको करीब होना है इस चीज को करने में क्या आसानी से हमारा दिल आमादा हो जाएगा आ? आसानी से आमादगी हो जाएगी मनाना पड़ता है अपने आप को क्यों 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 नहीं क्यों अल्लाह के लिए मनाना पड़ता है क्यों अल्लाह के लिए हमारा दीन ये कह रहा है बस इसीलिए और कोई कोई बात नहीं नहीं मेरा फायदा नहीं उनसे कि कुछ हमें को दे देंगे वो ना हमें उनसे इज्जत की भूख है ना माल की भूख है ना दावत की भूख किसी चीज की भूख नहीं एक ही चीज है कि मेरे रब ने यह कहा है इससे मेरा रब राजी हो जाए तो ये कुर्बानी है कि नहीं कुर्बानी में यही तो होता है कुर्बानी में यही तो होता है ना अल्लाह राजी हो जाए और दिल को आमादा करना अल्लाह के हुक्म के लिए ये बहुत बड़ी कुर्बानी है जबकि पूरा माहौल उसके खिलाफ मैंने मिसाल दे दिया घर वाले भी मुखालफत करेंगे मतलब रोकेंगे आपको समाज भी रोकने का का हुक्म देगा या मशूरा देगा दोस्त अहबाब भी आपको ऐसे ही मशुरा देंगे शैतान भी यही मशूरा देता है माहौल साजगार ना होने के बावजूद माहौल साजगार ना होने के बावजूद अल्लाह को राजी करने के लिए अपने आप को आमादा करना और उस हुक्म पर अमल करना जिस पर अमल करने के लिए बाहिर हालात साजगार नहीं है हमारे हक में फिर भी हम कर रहे हैं ये अजीम कुर्बानी है इसी को गोसिलहमे कहते हैं हमें करना चाहिए लोग हंसेंगे हंसने दीजिए लोग कहेंगे बड़ा गिरा हुआ है कहने दीजिए लोग आपको मुमकिन है बेशर्म कह दें बेहया कह दें कि भाई बोलता नहीं फिर भी बोलते हैं वो बोलना चाहते नहीं फिर भी बोलते हैं हाँ बोल रहे भाई अल्लाह ने कहा है रिश्ते नाते को जोड़ना हो भाग रहे हैं तो क्या हो तो ये इससे अल्लाह हमारा राजी होगा और जो फजीलत दिके की गई है इसी के बदले में ठीक नंबर एक नंबर दो दुनिया में इसकी वजह से हमको क्या मिलने वाला है हम बेइज्जत हो जाएंगे हम रुसवा हो जाएंगे ऐसा करने के हाँ क्या होने वाला है हदीस की रोशनी बयान कर शायद हदीस गुजर चुकी है बरकत तो हो जाती है रिश्ते बरकत हो जाती है इजाफा होता है और क्या फायदा होगा अल्लाह फरिश्ता मुतय करता है साबिर रसूल आए और कहा अल्लाह के नबी मेरे फला रिश्ते कुछ रिश्तेदार हैं, मैं उनको जोड़ता हूँ वो तोड़ते हैं मैं उनकी खूबियाँ बयान करता हूँ मेरी बुराइयां बयान करते हैं और एक शिकायत की तो अल्लाह के नबी कहा अगर बात ऐसी ही है जैसे आप कह रहे हैं तो अल्लाह रब्लम गोया कि आप उनके मुंह में कोयला भर रहे हैं और अल्लाह रबालमीन एक फरिश्ता मुतिन करता है जो तुम्हारी जानब से दफा करता है और आखिर में आप नतीजे के तौर पर देखें कि जो भाग रहा था लोग उसी को गलत कहते हैं जो करीब हो रहा था लोग उसको कहते हैं ये आदमी ठीक है ये अल्लाह रबालमीन करवाता है तो बहरहालमुकाफी बदले में सिला रहमी करने वाला सिला रहमी करने वाला नहीं है बल्कि ऐसे शख्स से सिला रहमी करने वाला जो उसको छोड़ रहा है उससे दूर हो रहा है उसको वो जोड़ता है असल ये सिला रहमी करने वाला है। हैमीन हम तमाम को हकीकी मानों में सिला रहमी करने वाला बनाए और इसी तरीके से उसके जो समात जो फ़वाद हैं दुनिया व आखरत में जो फजीलतें हैं और हमें ان فضلتوں کا ان فوائد کا مستحق بنا اور سے بچا آمین تقبل بالعلمين العالمين والسلام